अगर आप चाहते हैं दुल्हन को जल्दी घर पे लाना तो महीना आप एक लाख रुपए कमा सकते हो और महीना एक लाख नहीं दो लाख भी कमा सकते हैं कि हम YouTube के ऊपर रहते हुए बिना ठुमके लगाए बिना कोई हरकतें किए घर बैठ के आप पैसे कमा सकते हो इसमें आपको ठुमके लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल मेरे कैमरा मैन को पता है अगर तो <laughs> <करने है। laughs> <laughs> आप चाहते हैं जल्दी शादी करना अगर आप चाहते हैं जल्दी गाड़ी लेना अगर आप चाहते हैं घर बनाना अगर आप चाहते हैं अपने दोस्तों में अमीर कहलाना, अगर आप चाहते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा आप ही के पास हो अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो अगर आप चाहते हैं कि सारे पाकिस्तान का पैसा आपके पास आ जाए तो इस वीडियो को मत स्किप कीजिएगा क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं फहाद अली जो कि आपको बताएंगे कि ऑनलाइन किस तरह से अर्निंग की जा सकती है किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है आसान तरीकों से फाहद कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप चाहते हैं दुल्हन को जल्दी घर पे लाना तो महीना आप एक लाख रुपए कमा सकते हैं और महीना एक लाख नहीं दो लाख भी कमा सकते हैं अरे वाह फाहद जल्दी से बताइए कि कैसे मैं कमा सकता हूँ पैसा और जल्दी से शादी करवा सकता हूँ इसका मतलब आप बता रहे हैं मैं अनमेरिड हूँ तो आप बता रहे हैं मैंने नहीं बताया आपने खुद बिल्कुल उसमें सर ये है कि मेरा नाम तो फहद अली है जैसे कि आपने पहले बता दिया और हम लोग यूट्यूब के ऊपर फहद अली अकेडमी के नाम से फ्री और पेड दोनों चीज़ें पढ़ा रहे हैं लेकिन डिपेंड ये कर रहा होता है कि आपने जैसे क्वेश्चन किया कि आप कैसे कमा सकते हो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं लेकिन मैं उन स्टूडेंट को उन फीमेल्स को टारगेट करना चाह रहा हूँ जो कि बेरोजगार हैं या फिर सिंगल मदर हैं या फिर स्टूडेंट है जो कि कुछ करना चाहते हैं या फिर ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों के लिए सीरियसली कुछ सोच रहे हैं लेकिन बच्चे कर नहीं पा रहे हैं तो आज मैं उनको आंसर देने जा रहा हूँ उस टॉपिक पे कि हम यूट्यूब के ऊपर रहते हुए बिना ठुमके लगाए बिना कोई ईची बिची हरकतें किए फजूल हरकतें जिसको मैं कहूँगा उसके अलावा भी बड़े रास्ते ऐसे हैं जो कि यूट्यूब और फ्री और एज अ घर बैठ के आप पैसे कमा सकते हो इसमें आपको ठुमके लगाने की जरूरत नहीं है।, है इसके अंदर जो मेथड आते हैं वो ये है कि आप के पास स्किल होनी चाहिए अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपके पास ढेरों पैसा होना चाहिए लेकिन आज का जो हमारा स्पेशली टॉपिक है वो हमने डिस्कस करना है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है आप जीरो इन्वेस्टमेंट से किस तरीके से लाखों रुपए कमा सकते हैं अब उसके अंदर सबसे पहला जो टूल मेरी नजर में और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी नजर में जो सबसे अच्छा टूल जो है वो है यूट्यूब अच्छा यूट्यूब इसलिए मैंने आपको पहले नंबर पर बताया क्योंकि यहाँ पे अकाउंट बनाने पर कोई पैसे नहीं लगते जैसे हम अपना कोई एच भी बैंक में लेते हैं तो कुछ ना कुछ लगता है जरूर है देना पड़ता है कहते जरूर है फ्री लेकिन फ्री होता नहीं है सेम इसी तरीके से जब आप YouTube पे एक नहीं एक हजार भी चैनल बना लो YouTube आपसे एक रुपया भी नहीं लेता बल्कि वो आपको उल्टा पैसे देता ही देता है ठीक है अब डिपेंड कर रहा होता है कि आप उसके ऊपर वर्किंग क्या कर रहे हो मेन चीज सबसे मेन टॉपिक हमारा यही है कि आप यूट्यूब के ऊपर वर्किंग क्या कर रहे हो और यूट्यूब पे अगर आप हमारे कहने से आ भी जाते हो हमने जैसे आपको बता रहे हैं आप आ गए आपने यूट्यूब पर चैनल बना लिया दूसरे नंबर पर हमारे पास चीज आती है कि यार हमने चैनल तो स्टार्ट कर लिया बाद में हम सोचते हैं टॉपिक कौन सा होना चाहिए बिल्कुल फाहद, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैनल तो बना लेते हैं उनके दोस्त मशवरा दे देते हैं और चैनल भी बन जाते हैं, हैं। क्रिएट हो गया लेकिन उनको समझ नहीं आती कि कंटेंट कौन सा अपलोड करें कि जल्दी जल्दी पैसा आना शुरू हो जाए जल्दी जल्दी जो पैसा है ना आपका इस जल्दी जल्दी में थोड़ी सी मेहनत भी जरूर होगी फ्री तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने रात को अकाउंट बनाया और सुबह आपके अकाउंट में डॉलर आ गए ऐसा नहीं है बिल्कुल उसी तरह मेहनत करनी पड़ेगी जिस तरह दुल्हन तैयार होने में मेहनत करती है <laughs> बिल्कुल ऐसी है जैसे मेकअप और ये चीजें होती हैं वैसे ही आपने मेहनत करनी है और दूसरे नंबर पर मेहनत के साथ साथ जो है ना आपने यही सोचना ना कॉन्सेप्ट हमारा जो है अगर आप पैसों के ही पीछे आप क्योंकि हमने एक टॉपिक डिफाइन किया है कि आप पैसे कैसे कमाओगे एक लाख रुपए महीना अगर दुल्हन चाहिए तो आपने पैसों के ही अगर आप पीछे भागोगे ना तो आप कामयाब नहीं होंगे अच्छा मेन चीज है आप स्ट्रगल करोगे तो जब आप पैसों के पीछे भागते हो ना तो पैसा और आगे भागता है मतलब जैसे के पीछे ना जैसे, ना जैसे वो लड़कियां आप करो ना आप उनके पीछे जाओ लड़कियां आगे हो जाएंगी हाय 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 ना ना, ना ना ऐसे नहीं ठीक <laughs> है आपने उनको आगे भगाना उनका जाओ तुम वो खुद ही आपके पीछे आते हैं तो पैसा भी यही चीज है पैसों के पीछे इतना भागोगे वो पैसे आपको और नहीं आपने नहीं करना नहीं। आपने फोकस करना अपने काम के ऊपर और आप जब काम के ऊपर फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली जब आपकी वर्थ बनती है ना तो वो जो वैल्यूएबल आपका कंटेंट क्रिएट होता रहता है ना स्टेप बाय स्टेप क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और फल नहीं मिल रहा दो महीने हो गए चार महीने हो गए लेकिन वो जो स्ट्रगल आपकी है ना वो जब आपको मेहनत फीडबैक आता है ना वो वो वैल्यूएबल लगाता है कि आप गाड़ी भी ले लेते हो घर भी ले लेते हो और फिर आप सोचते हो कि यार वाकई वो जो मैंने मेहनत की वो काम काम की मेरी मेहनत बहुत YouTube को हम सिर्फ इस सेंस में देखते हैं कि हमने वहां पे बैठ के साफत करनी है जर्नलिज्म करनी है ऐसी ऐसी लेकिन YouTube को ऐसे नहीं देखना लेकिन एक बटन हमें दिखाई देता है जिस पे लिखा होता है कंटेंट क्रिएट ऐसी हमें वो समझ नहीं आ पा रही कि कंटेंट कैसे क्रिएट करना है कंटेंट देखें ये जो आपको क्वेश्चन है ना ये हम इस वीडियो के अंदर तो कर रहे लेकिन यही सेम टॉपिक और, और मैंने बड़ा ही इजी आंसर दिया लंबी लिस्ट दे सकता हूँ हजारों टॉपिक है हजारों आइडियाज हैं ट्रेंडिंग आइडियाज सब कुछ है लेकिन मैंने आपको टॉपिक बता दिया मिसाल के तौर पर यह पक्का नहीं है मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आप प्रैंक शूट कर लो फनी बना लो कुछ भी कर लो ये टॉपिक है आपका कुकिंग चैनल बना लो मेहंदी चैनल बना लो मैंने बता दिया, तो तो दिया। तो हार्डवर्क तो हार्ड नहीं करना स्मार्ट वर्क करना और exactly. स्मार्ट वर्क करने के लिए क्या चीज जरूरी है वो है हमारा अपना दिमाग हमारी वो चीजें जो कि हम शुरू से सीखते आए हैं और हमारे पास वो स्किल जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट है अब मुझे इंटरेस्ट है कुकिंग का हुँ. आपने मुझे कह दिया मेहंदी का मैं मेहंदी बनाऊंगा लेकिन वो हार्ड वर्क में आएगा स्मार्ट वर्क में नहीं आएगा अगर मुझे जो इंटरेस्ट है उस पर मैं काम करूंगा ना तो वो मेरे लिए पावरफुल होगा हुँ. तो आंसर ये है टॉपिक पे ना जाओ जो आपके माइंड में स्किल है ना बस ले आओ आउट यूट्यूब के अलावा और कौन सी वेबसाइट है जहां से हम पैसा कमा सकते हैं यूट्यूब के अलावा आप फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं जैसे कि फाइवर है और गुरु है और अप वर्क है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पे भी आपको पैसे नहीं देने पड़े लेकिन यहाँ पे आपके पास स्किल होनी चाहिए फिर आप वहां जाते हो अच्छा। अब वो स्किल जो है वो किसी भी सूरत में हो सकती है अब अक्सर हमारे जो है फील्ड के अंदर ये कहा जाता है आपको ढोल वाले भी नहीं ना मिल रहे तो आपको फाइवर पर ढोल वाले मिल जाएंगे अच्छा अब आपकी शादी जब होगी तो आपने फाइवर से बुलाने ढोल वाले ओके ठीक है अब उसमें ये होता है कि आपके पास स्किल जरूरी है अब आपको मेहंदी डिजाइनिंग का शौक है खासतौर पर फीमेल्स का होता है तो वो अपनी मेहंदी की जो एक्सपर्टीज है ना कि मेहंदी को जो हाथ है वो कैसे पकड़ना है और हाथ कौन मेहंदी जिसको हम कहते हैं वो उसका स्टाइल कैसे है कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ पर एंड करना है अब ये उनको पता है हम जैसे नौजवानों को नहीं, नहीं पता, पता मैं भी नौजवान हूँ भी ठीक है तो वो फाइवर पे वो स्किल सेल कर सकती हैं अच्छा कुकिंग में बिरयानी आप एक्सपर्ट हैं आप से अच्छी कोई घर पे कुकिंग की बिरयानी नहीं बना सकता आप वो अपनी सर्विस सेल कर दो फाइवर पर रहते हो बिल्कुल मेरे कैमरा को पता है कैसे करना है तो वो <laughs> <फिर> कर सकते <laughs> वो उसको वैसे कर सकते ना <laughs> पैसा कमाना है पैसा कमाना है ना नया आइडिया नया आइडिया <laughs> लेकिन यूट्यूब अगले दिन आपको पकड़ भी लेगा <laughs> उसने क्या आपने कॉपी राइट भेज देना फिर आपने कहना वो आइडिया करे <laughs> तो आइडिया वो जो कि आपके अपने दिमाग में है, जो स्किल आपके माइंड में

आज तक मैंने नहीं बताया नहीं। मैं आज इस वीडियो में आपसे शेयर करता हूँ अब मेरा चैनल है टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर अब मेरी वो देखें थिंक सोचने का स्टाइल देखें जो हर बंदा सोचता है ना मैं मैं थोड़े से हट के सोच रहा हूँ अब मैंने किया क्या चैनल बनाया कुकिंग के ऊपर वीडियो शुरू कर दी ठीक है कुकिंग के एक दस बारह पंद्रह टॉपिक्स मैंने कुकिंग के बना दिए अब मुझे सब्सक्राइब किसने किया कुकिंग वालों ने आपने तो नहीं किया जिसको शौक है जिसको शौक है उसने मुझे सब्सक्राइब किया ऐसे अब मैंने अगला टॉपिक कौन सा उठाया मेहंदी का मोटिवेशनल उसके बाद मैंने ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स उठाए और जैसे कि नातों का चैनल है बयान का चैनल है अब उनकी अलग अलग, अलग कैटेगरी है वो बंदा मुझे सब्सक्राइब कर रहा है ठीक हाँ। है अब इकट्ठे हो गए सारे यहाँ पे अब मैंने क्या किया अब जब मैं एक वीडियो लॉन्च करूंगा ना हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल तो वो हर कैटेगरी के, के बंदे देखेंगे क्योंकि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल हर बंदे को चाहिए चाहिए बिल्कुल ठीक है अब मैं अगर एक ही टॉपिक को खींचता रहूं चिंगम की तरह खींचता रहूं हाउ टू ग्रो चैनल हाउ टू ग्रो चैनल सब्सक्राइबर कैसे कैसे टाइम तो तो डेफिनेटली वो इसका मतलब है मैं दस वीडियो बना के थक जाऊंगा जब ग्यारहवीं पे जाऊंगा तो मैं झूठ ही बोलूंगा ना फिर यूट्यूब इतना सा है हम लोगों ने खींच के इतना किया है अब हम लोगों की मजबूरी है खींचना क्यों क्योंकि अगर आप उसे क्वेश्चन करते हो कि सर मेरा चैनल बयान के तो कैटेगरी कौन सी होगी अब मैंने अगर बिहार चैनल की कैटेगरी नहीं बताई हुई तो मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ hmm. अब एक बंदा और आ रहा है मेरे पास सर ये क्या है तो मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ hmm. तो बढ़ रही है और वैल्यूएबल कंटेंट हो रहा है hmm. आप देर से जाते हो यूट्यूब पे लेकिन जब वो चले जाते हो ना तो मजा आ जाता है बहुत शुक्रिया सर आपका बिल्कुल जी जो फाहद साहब से सीखना चाहते हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट का नाम भी आपसे शेयर कर लिया है आप वेबसाइट पे जा सकते हैं इनसे रहा कर सकते हैं और फिर आप भी लाखों में अयाशी कर सकते हैं और फिर भी, है। भी ला सकते हैं ढुल्हन भी ला सकते हैं गर्लफ्रेंड भी बना सकते हैं गाड़ी भी ले सकते हैं सब कुछ आप कर सकते हैं लेकिन करना क्या है मेहनत और दिमाग का इस्तेमाल इसी के साथ इजाजत चाहूंगा